अशोक गहलोत देश के उन नेताओं में शुमार हैं जिन्हें जनता का असीमित और अटूट प्यार मिला है। इसके पीछे वजह है उनका त्याग, समर्पण और सेवा भाव। प्रदेश के लोगों के दुख दर्द को शिद्दत से महसूस करने वाले मुख्यमंत्री गहलोत आम जन से जब भी मिलते हैं तो आत्मीयता से उनकी आंखें छलकती हैं। यही वजह है कि प्रदेश के लोगों ने तीसरी बार उनके हाथों में मरुधरा की बागडोर सौंपी है। कोरोना महामारी के बीच भले ही उन्होंने अपना जन्मदिन ना मनाने का फैसला किया है, लेकिन प्रदेश की जनता अपने प्रिय मंत्री को कह रही है हैप्पी बर्थडे गहलोत। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो सीएम अशोक गहलोत का जन्मदिन है आज। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत आज जन्मदिन नहीं मनाएंगे क्योंकि कोरोना प्रकोप के कारण अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जनता को संदेश भी दिया है। उन्होंने लिखा कि राजस्थान की जनता ने भरपूर स्नेह और आशीर्वाद दिया, संकट की घड़ी में मैं और सरकार जनता के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण की पालना करें, हम सफलता के साथ इस चुनौती से निपट लेंगे। और क्योंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है, भले ही उन्होंने अपना जन्मदिन ना मनाने का फैसला लिया हो, लेकिन जो जनता है उनको भरपूर प्यार दे रही है और कहीं ना कहीं ये उम्मीद करती है कि मुख्यमंत्री यूं ही स्वस्थ रहें और यूं ही देश की जनता के वो काम आ सके। हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, आज का दिन बेहद खास हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है, भले ही आज नहीं हो रहे हैं बड़े कार्यक्रम, लेकिन किस तरह से जोधपुर में माहौल है और किस तरह से आज कांग्रेसी कार्यकर्ता मनाएंगे उनका बर्थडे? देखिए, राजस्थान को तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह से सुशोभित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, उसके अलावा आम लोगों से, आम जनता से उनका गहरा रिश्ता रहा है, जनता के साथ उनका आत्मीय संबंध है। सर्व समाज के लोग जो है, आप देख सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिवस पर सोशल डिस्टेंस की पालना करने के साथ जिस तरीके से केक काट करके जो खुशी मने, ये केक नहीं है, ये मावे का केक है। और आप देख सकते हैं कि सभी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ इस वक्त जिस तरीके से जन्मदिवस का केक काट रहे हैं, ये अपने आप में संदेश है कि आज मुख्यमंत्री भले नहीं मना रहे हो, लेकिन एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। सर की भवानी सिंह आपको वो तस्वीर बताएंगे। ये तो केक कट रहा है, लेकिन आप इस तरफ देखिए, तमाम वो लोग हैं, ये वो तमाम वो लोग हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, ये वो लोग हैं। आप देखिए, ये केक उन लोगों में बटेगा जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई राजस्थान का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, ये तमाम वो लोग हैं जिनको सर्व समाज ने कोरोना के चलते यहाँ इकट्ठा किया, रोजाना भोजन करवाते हैं। और आज जिस तरीके से ये जो तस्वीर है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। खास तौर पर देखिए, अपने हाथ से सर्व समाज के जो लोग हैं वो अपने हाथ से जिस तरीके से ये कहने को भले भीख मांगते होंगे, लेकिन आज खुशी जो है वो इनके मन में है। जरा बात कर, कैसा लग रहा है आज आपको? मेरे को अच्छा लग रहा है, इसलिए सर अच्छा लग रहा है आज हमारे मुख्यमंत्री की जन्म हम साथ मिलकर मना रहे हैं। तो आप देखिए जिस तरह की तस्वीर हमारे साथ सुनील परिहार भी है, सुनील जी किस तरीके से ये सब लोग आप मिल करके इस त्यौहार को मना रहे हैं? अशोक गहलोत जी जननायक है, ये मुख्यमंत्री नहीं है, हृदयों के सम्राट है। उन्होंने अपने जीवन में मानवीयता को सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया है। उन्हें पद मुख्यमंत्री का मिला या नहीं मिला, उन्होंने राजनीतिक जीवन मानवीयता के आधार पर शुरू किया। आज हम मुख्यमंत्री का नहीं, जननायक का बचपन के दोस्त क्या कहेंगे, कैसे मना रहे? हम उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, ऐसे कहते हैं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हम सब बहु समाज की ओर से, बहुत समाज की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं। ओसवाल समाज महामंदिर की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। किस तरीके से आज आप इस दिन को मना रहे हैं? बड़ी खुशी से मना रहे हैं और धूमधाम से मना रहे हैं, और आप देख रहे हैं, लाइव में देख रहे हैं, ये एकदम धूमधाम से मना रहे हैं। तस्वीरें हैं, ये केक जो कट रहा है, ये जो सुबह का जो नाश्ता कराया जा रहा है, ये उन लोगों को जो अलग अलग चौराहे पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पर बिल्कुल किसी से मांग करके गुजारा किया करते थे, मगर उन लोगों कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ये चाहते भी हैं कि उनके जन्मदिन पर कहीं ना कहीं इसी तरह का कार्यक्रम हो जहाँ पे गरीब और जो जरूरतमंद है उनको चीजें मिल पाए, तो ये सबसे बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका, बहुत
छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें भी और भी हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।